नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और बड़ी खबर कोरोना की थर्ड वेव की हम बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ही कहा कि मास्क से ही कोरोना को हराया जा सकता है और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। लेकिन बाजारों में भीड़ भाड़ और लापरवाही एक बार फिर से भारी पड़ रही है। एक बार फिर कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं और पिछले 24 घंटे में इंडिया के कोरोना मीटर में 45,301 का इजाफा हुआ है। 24 घंटे में कोरोना से 501 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से सबसे ज्यादा डेंजरस हालात दिल्ली के ही हैं, जहां मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और ये आंकड़ा कई दिनों से 100 से ऊपर है। कल से लेकर आज तक दिल्ली में कोरोना से 111 लोगों की मौत की खबर है और आगे हम आपको पूरा कोरोना ग्राफ के जरिए भी ये बताएंगे कि आखिर किस तरह से रोजाना मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद ही आपको बता दें, 3 राज्यों में कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ गई है। गुजरात और एमपी के बाद राजस्थान में भी आज से नाइट कर्फ्यू लगेगा। राजस्थान के 8 जिलों में आज रात से ही नाइट कर्फ्यू लगेगा। इन जिलों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा और अलवर में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जबकि गुजरात में शुक्रवार रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक 57 घंटे का कर्फ्यू लगातार जारी है और एमपी के 5 जिलों में भी नाइट कर्फ्यू होगा। और सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए राजधानी दिल्ली में हम आपको बताते हैं कोरोना का कहर किस तरह से जारी है, क्योंकि दिल्ली की अगर हम सबसे पहले टोटल केसेस की बात करें तो यह आंकड़ा हम देख रहे हैं कई दिनों से 5 लाख के पार हो चुका है। लेकिन इस वक्त जो डिटेल्स हमारे पास हैं, जो फैक्ट्स और फिगर्स हमारे पास हैं, उसके मुताबिक दिल्ली में टोटल केसेस बढ़कर अब 5,23,117 हो चुके हैं, जबकि अभी तक दिल्ली में कोरोना की वजह से 8,270 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली वाले क्यों सतर्क रहे, किस तरह से दिल्ली की सरकार लगातार एक्शन मोड में है, ये तो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे में भी आंकड़े हर बार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कितने लोगों ने जान गंवाई और कितने केसेस आए, ये देखिए 5,879 केसेस ये सिर्फ दिल्ली में 24 घंटे में आए हैं, जबकि 24 घंटे में कोरोना की वजह से 111 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अब आपको हम 6 दिन का दिल्ली का पूरा ग्राफ भी दिखाते हैं और क्यों हम बार बार ये कह रहे हैं कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये देखिए 16 नवंबर से 21 नवंबर तक का पूरा ग्राफ के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि सिर्फ राजधानी दिल्ली में केसेस कैसे बढ़ते जा रहे हैं। 16 नवंबर को 3,797 केसेस, ये ग्राफ सीधा 3,000 से 6,000 तक पहुंचा। 17 नवंबर को जब मामले बढ़कर 6,396 हो गए, 6,000 के बाद सीधा 1,000 का इजाफा और हुआ। 18 नवंबर को जब 7,486 केसेस सामने आए और उसके बाद 19 नवंबर को 7,546 केसेस, जबकि 20 नवंबर को 6,608 और अब 21 नवंबर को 5,879 केसेस आ चुके हैं राजधानी दिल्ली में। लेकिन डेथ मीटर ये और ज्यादा डराता है, तो दिल्ली का पूरा डेथ मीटर भी हम आपको ग्राफ्स के जरिए इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये आंकड़े रोजाना बढ़ते जा रहे हैं और 16 नवंबर से 21 नवंबर में देखिए 16 नवंबर को 99 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 17 नवंबर को भी 99 लोगों ने दम तोड़ा, कोरोना की वजह से दम तोड़ा। लेकिन 18 नवंबर को लोग और चौंक गए जब ये देखा कि महज एक दिन में दिल्ली में 131 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। 98 लोगों की मौत 19 नवंबर को हुई, 20 नवंबर को यह आंकड़ा बढ़कर 118 हो गया और 21 नवंबर को 111 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। अब पिछले 10 दिनों का भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा रिकॉर्ड दिखाते हैं क्योंकि ये फैक्ट है, ये हकीकत है राजधानी दिल्ली की, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है और 10 दिन में केसेस बढ़ चुके हैं। 63,142 केसेस हो चुके हैं, जबकि 10 दिन में 1,042 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है और यही वजह है कि हम बार बार दोहरा रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हुआ है। लेकिन लोग अभी भी सुधरने को तैयार नहीं है और हैरानी इसी बात की है कि खुलेआम बिना मास्क के लोग घूमते नजर आ रहे हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर दीक्षा पांडे दिल्ली की गाजीपुर मंडी पहुंची, जहां एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोग बिना मास्क के ही नजर आए। राजधानी दिल्ली में बीते दिनों के साथ स्थिति लगातार बिगड़ रही है। रोजाना कई हजार केसेस लगातार आ रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों के अंदर लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस वक्त दिल्ली के गाजीपुर मंडी में हूँ, जो कि यहाँ की बड़ी मंडियों में से एक है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर भीड़ काफ़ी कम है लेकिन लोगों के अंदर ज़बरदस्त लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। दरअसल यहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है। काका, बिना मास्क वास्क कैसे आप घूम रहे हैं?
इतना समझाया जा रहा है जी, तभी भी आप लोग कैसे भूल जाते हैं? बस ध्यान ना होगा, मंडी से भी निकल के नहीं आए ना, मास्क लगाया, गलती है, मंडी से आ रहे हैं तभी भी नहीं लगाया, अपना लगा रखा था जब तक। कितने का चलान है आप? पता 2000 रुपए का है। 2000 रुपए का जी, गलती हो गई। देंगे 2000 रुपए? नहीं, तो गरीब आदमी, पता कहाँ से लाए। फिर नियम का तो पालन करना पड़ेगा ना, नष्ट करना पड़ेगा। सही बात जी, करेंगे, गलती हो गई, गलती हो गई जी। अरे भाई सब लोग, ये मास्क आए आप लोगों का? नहीं, ये बात हो रहा था ना जी, मैडम जी बात हो रही थी। ये तो है भैया, बात तो करना ही है, लेकिन मास्क लगा के करना है ना। ठीक है, मास्क तो लगाए थे जी, मास्क तो नीचे है ना, आपको पता है कि कितने का चालान हो रहे हैं? लेवल भी बात सही कह रहे हैं, मास्क तो लगाए 2000 रुपए। नहीं नहीं मैडम जी, नहीं बोलेंगे, नहीं होगा भैया। फल बेच रहे हो बिना मास्क के? मास्क तो लगा रहा है। लग रही है भैया, अभी देखो ना आपके सामने। नहीं मैडम, मास्क करने को हटाया था, बस इसलिए लगा लिया। आपको पता है चालान हो रहा है जी, जब आप मंडी में बहुत सारे लोग हैं, ये सुरक्षित नहीं है। सॉरी मैम, गलती हो गई इससे। भैया आप लोग सब्जी बेच रहे हैं बिना मास्क कैसे लगा के बेच रहे हैं जी? मास्क की सब्जी बेच रहे हैं? वो टूट गया ना मास्क, इसलिए। वो मास्क वाले अभी आए नहीं ना, मास्क लेना था, वो आए नहीं ना। और आप भी बिना मास्क के थे भैया अभी? नहीं मैडम जी, अपने चौथा ना, कस्टमर से बात करनी पड़ती है। वो तो है, लेकिन आपको ऐसी जगह पे लगाना पड़ेगा। वो तो बात तुम्हारी सही है, चलो लगा लेंगे, ले लेंगे, ठीक है। आपने दिल्ली का हाल देखा है, जहां लोग कोरोना को हल्के में लेकर खतरा मोल ले रहे हैं, और कोरोना के केसेस राजस्थान में भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद गहलोत सरकार को नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ गया है। और सबसे पहले आपको राजस्थान का हम कोरोना मीटर भी दिखा देते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी अब केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और टोटल केसेस फिलहाल कितने हो चुके हैं राजस्थान में देखिए। केसेस बढ़कर अब यहां पर 2,40,676 हो चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 3,007 केसेस आए हैं, और 24 घंटे में राजस्थान में 16 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का भी फैसला लिया गया है, और 8 जिलों में ये नाइट कर्फ्यू लागू होगा। कहां-कहां कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद 8 जिलों में कर्फ्यू लगेगा, ये डिटेल भी आपके सामने। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा में नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। शॉपिंग मॉल्स और बाजार शाम 7 बजे के बाद बंद रहेंगे, जबकि नाइट कर्फ्यू वाले जिलों में 25% स्टाफ के साथ वर्क फ्रॉम होम होगा। शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोगों को परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा मास्क नहीं पहनने पर 200 की बजाय अब 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि राजस्थान में कोरोना बेकाबू है। अशोक गहलोत सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला ले चुकी है, लेकिन उनकी पार्टी के विधायक ही मास्क के नियम को तोड़ते नजर आ रहे हैं। अब तस्वीरें हम आपको कांग्रेस विधायक अमीन कागजी की दिखाएंगे, और जब पुलिस ने उन्हें बिना मास्क के टोका तो पुलिस के साथ ही उन्होंने बहस शुरू कर दी, और थानेदार को मुख्यमंत्री से बात करने तक की धमकी दे डाली। मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा डायरेक्ट, मेरे को किस से बात करूंगा? मैं किसी से बात करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा या कमिश्नर से बात करूंगा? ऐसे नहीं चलने दूंगा, परेशान कर रहा लोगों को यार। मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा डायरेक्ट, मेरे को किस से बात करूंगा? किसी से बात करूंगा, मुख्यमंत्री से बात करूंगा या कमिश्नर से बात करूंगा? ऐसे नहीं चलने दूंगा, परेशान कर रहा लोगों को यार। एक और राज्य है जहां पर कोरोना की वजह से नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है, और वो है मध्य प्रदेश। लेकिन इसके बाद भी लोग मास्क पहनने में कंजूसी दिखाते नजर आ रहे हैं। आपको सबसे पहले एमपी का ही कोरोना मीटर हम दिखा देते हैं, और यहां पर कितने केसेस बढ़ चुके हैं ये भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि यहां भी आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1,91,246 टोटल केसेस हो चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 1,700 केसेस सामने आए हैं, और 11 लोगों की जान 24 घंटे में कोरोना की वजह से गई है। लेकिन भोपाल के लोग अभी भी से दूरी बनाए हुए हैं। अनुराग अमिताभ की ये रिपोर्ट देखिए। भोपाल की सब्जी मंडी में लोगों की लगी भीड़ साफ बता रही है लोगों के मन में से कोरोना का डर गायब हो गया। यही वजह है मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर देखी जा रही है, जिसके चलते राज्य सरकार ने कल से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम समेत विदिशा में भी नाइट कर्फ्यू शुरू किया है। वजह साफ थी, लोगों में कोरोना का डर नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, मास्क नहीं लगा रहे थे। और तस्वीरों में आपको ऐसे तमाम लोग दिख जाएंगे जो ऐसे व्यस्त मार्केट
स्टेट में घूम रहे हैं जहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं, मास्क क्यों नहीं लगाया? लगाएं, ये थैले में रखा, सब लगा रहे हो मैं रखा, लेकिन मार्केट में घूम रहे हैं सैकड़ों लोग यहाँ है। लगाएं लगाएं, गलती हो गई, पहुंचेगा नहीं, लगा ये थैले में रखा है, लगाइए। हाँ लगा लगाए, नहीं लगता है, जरूरी है लगाना, बताइए। और बेफिक्र है, बिल्कुल बेफिक्र है जनता, इस बात की परवाह नहीं है कि वो मास्क लगाए, खुद भी कोरोना संक्रमित होंगे और परिवार के लोगों को भी। ये देखिए आप, मास्क क्यों नहीं लगा भैया, क्यों नहीं लगा? अरे लगा रहा है ना, आपका भी होगा, लोगों का कोरोना फैला। हाँ, और ये भीड़ देखिए आप, लोग बिल्कुल बेखौफ नजर आ रहे हैं, बाजार में शॉपिंग करने आए हैं। इस वक्त 1,91,000 से ज्यादा मामले हैं। ज्यादा मास्क नहीं लगाए हो सर? भूल गया एकदम घर। कैसे भूल गए? कोरोना याद रखेगा आपको, आप भले ही भूल जाओ। कोरोना के केसेस मुंबई और महाराष्ट्र में भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग मास्क लगाने के एक से बढ़कर एक बहाने भी बना रहे हैं। बोरीवली मंडी से नम्रता दुबे की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में कोरोना का आंकड़ा 3,00,000 के करीब है, फिर भी लोगों को अब तक कोरोना की गंभीरता समझ में नहीं आई है। सुबह की तस्वीर है, बोरीवली का सब्जी मंडी है ये, वहां की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ। ज्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क नहीं है, लोग एक दूसरे से सटकर घूम रहे हैं, चाहे वो सब्जी विक्रेता हो या फिर सब्जी खरीदने वाले हो, ज्यादातर किसी ने मास्क नहीं पहना है। आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? छुट गया, इधर छुट गया। डर नहीं है कोरोना का? डर बराबर है। तो लोगों की दलीलें बड़ी अजीब होती हैं। भीड़ में आपको दिखा दूं, पीछे की तरफ देखिएगा, लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हैं, ज्यादातर भीड़ है यहाँ पर लोगों की, जो सब्जी बेचने वाले हैं उन्होंने ज्यादातर। आपने मास्क पहना है? अरे पहना तो है भाई, पहना। भीड़ भाड़ में आए, कोरोना का डर नहीं लगता क्या? लोगों के जवाब बड़े अजीब होते हैं। देखिए इस तरह कैमरा देखकर लोग चले जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये जो मास्क पहनने की बात की जाती है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात की जाती है, ये सिर्फ उनके लिए है। लोग यहाँ पर बेधड़क मास्क जो है नीचे करके सब्जी। आप बताएंगे आपने मास्क क्यों किया है? अरे खाली इसके लिए किया है, खाली लेने के बात करने के लिए। लेकिन सर भीड़ भाड़ में तो बहुत टेंशन होता है ना? अरे एक सेकंड, खाली सूंघने के लिए किया है, बाकी क्यों करने वाला है? आपकी सब्जी वाले ने भी पहले मास्क नहीं चाहिए। आप लोगों को डर नहीं लगता कोरोना का? 3,00,000 के पास होगा और सबसे ज्यादा इस आर वार्ड में। लोगों का रिएक्शन बहुत ही अलग होता है, उनकी गलती है कोरोना बढ़ रहा है, ये सारी चीज समझ में नहीं आती। आपको थोड़ा टॉप एंगल से दिखाने की कोशिश करते हैं कि सुबह की तस्वीर ऐसी है तो सोचिए शाम को कितनी ज्यादा भीड़ होती है। लोग जो है बिना मास्क के घूमते हैं, एक दूसरे से सटकर घूमते हैं, ज्यादातर सब्जी विक्रेता जो है वो भी मास्क नहीं पहनते, जो ग्राहक है वो भी मास्क नहीं पहनते। ऐसे में लगातार जो कोरोना का आंकड़ा है वो बढ़ते जा रहा है। और लखनऊ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। हालांकि यूपी में भी आंकड़े रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में यूपी सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। अब आपको हम केसेस यहां पर बता देते हैं किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। और ये सबसे पहले यूपी का पूरा कोरोना ग्राफ आपके सामने है, जहां टोटल केसेस बढ़कर 5,24,361 हो चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 114 केसेस सामने आ चुके हैं और 24 घंटे में 24 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई है। लेकिन यहां पर भी लोग मास्क लगाने से परहेज कर रहे हैं। रुचि कुमार, इंडिया टीवी संवाददाता रुचि कुमार की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिनों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लखनऊ में भी एकदम से तेजी आई है कोरोना के मामलों में, लेकिन बाजारों में मंडियों पर इसका असर नहीं दिखाई दे रहा। इस समय हम नवीन सब्जी मंडी में हैं, सीतापुर रोड के लखनऊ की, और आप देखेंगे कितनी भीड़ है यहाँ पर, बिल्कुल चलने की जगह नहीं है। और मास्क लगाए आप गिनती के लोग गिन सकते हैं। आप सामने देखेंगे तो एक आदमी हमें मास्क लगाए दिख रहा है, हमें देख के कुछ लोगों ने अपने मुंह ढक लिए हैं, लेकिन सारे लोग यहाँ पे बिना मास्क के हैं, वो चाहे दुकान वाले हों और चाहे सब्जी खरीदने वाले हों। मास्क तो यहीं कहीं गिर गया है, नहीं कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। यस, बढ़ रहे। आपका मास्क कहाँ है? जी मैं यह अंगूठा है। तो लगाया तो नहीं? हाँ तो लगाया नहीं, तो हम सौदा ले जाते, मूरी उठा रहे थे सौदा ले। लगता है कि कोरोना के मामले मास्क लगा? जी हाँ, सर कोरोना वो तेज चल रहा मानते हैं। आप भी मास्क नहीं लगाए? मास्क नहीं, ये लगाते हैं, अंगूठा है। आप भी मास्क नहीं लगाए? आप बने रहे हमारे साथ, जल्द वापस लौटेंगे। आपको अहमदाबाद की भी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जहां पर कोरोना से लड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू भी लगाया गया है।